Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my... Hello friends, welcome to my channel Foods Fun. तो आज हम बनाने वाले हैं वेज लॉलीपॉप्स, जो कि बच्चों और बड़ों सभी को बहुत अच्छा लगता है। आप ये बच्चा पार्टी, किटी पार्टीज़ में एज अ स्टार्टर आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने दो उबले हुए आलू लिया है, बारीक कटा हुआ कैबेज लिया है, करी लीव लिया है, बारीक कटा हुआ कैप्सिकम लिया है, बारीक कटी हुई प्याज ली है और बारीक कटा हुआ ग्रीन चिलीज लिए हैं। ये ब्रेड क्रम्स हैं जो कि 3 ब्रेड से बनाए हैं मैंने, और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी वेजिटेबल्स को हम मिक्स कर लेंगे। इसमें अगर आपके पास कैरेट्स हैं तो आप कैरेट्स और बीन वगैरह भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। अब मैंने कोरिएंडर लीव डाल दिया है और इसमें मैं ये सारा का सारा ब्रेड क्रम्स जो है बाइंड करने के लिए डाल दूंगी। अब इसमें हम सभी स्वाद के अनुसार अपने ड्राई मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने ये चिली पाउडर डाला है थोड़ा सा। ऑलरेडी हमने इसमें चॉप्ड चिली डाला था, ये थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर है, ये आपका हल्दी, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और थोड़ा सा ही चाट मसाला डाला है। इसे नमक डाल के आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं और अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, ये हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब इसके हम छोटी छोटी बॉल बना लेंगे। ये देखिए आप, आपको जिस भी शेप का रखना है आप बना सकते हैं। लॉलीपॉप आजकल ऐसा लंबे शेप में, ओवल शेप में भी आती है, राउंड शेप में भी आती है, मैंने यहाँ पर राउंड शेप का रखा हुआ है। ये सारी आपकी बन गई है। अब हम इसकी स्टिक बना लेते हैं। स्टिक बनाने के लिए मैंने मैदे में थोड़ा सा अजवाइन और नमक डाल करके इसका आटा पहले से ही गूंथ लिया था। अब इसकी स्टिक बनाने के लिए आप इसे थोड़ा सा ऐसा रोल करते जाइए चकले में और लंबा करते जाइए। इसे बिल्कुल पतला पतला रोल करना है हमें। ये देखिए मैं कर रही हूँ जैसे, इसे कट कर लेंगे, इसे थोड़ा और पतला करेंगे हम। तो ये बन गए हैं, मुझे इतने ही थिकनेस चाहिए था। इसे थोड़ा सा आप लंबा कट करिए। ये देखिए हमारे पीसेस बनके तैयार हो गए हैं। अब इसके इसे एक कॉर्नर से थोड़ा सा मुझे फोल्ड करना है। ओके, तो ये देखिए मैंने फोल्ड करके इसको प्रेस कर लिया है। ये वाला पोर्शन जो है हमारी बॉल्स के अंदर रहेगा, तो हमारी स्टिक जो है बॉल को छोड़ेगी नहीं जब हम इसे उठाएंगे या इसे होल्ड करेंगे खाने के लिए। तो ये इस तरीके से हमें सारी स्टिक्स बना लेनी है। ये मेरी सारी स्टिक्स बन के रेडी हो गई है। अब चलिए इसे फ्राई करते हैं। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करिएगा, थोड़ा कम ही फ्राई करिएगा, क्योंकि अभी ये दोबारा आपकी बॉल्स के साथ भी जो है फ्राई होगा, इसलिए मैंने इसे निकाल लिया है थोड़ा कम फ्राई करके। एक बॉल में मैंने लिया है मिल्क और उसमें मैंने एक चम्मच डाल दिया कॉर्नफ्लावर और थोड़े से मैंने फ्लेक्स लिए हैं कॉर्नफ्लावर। तो चलिए अब हम बनाते हैं लॉलीपॉप। ये सारी स्टिक्स देखिए बन गई हैं। एक एक स्टिक्स के अंदर हमने अपनी बॉल्स को इंसर्ट कर देना है एंड इसको अच्छे से होल्ड कर देना है, टाइटली पैक कर देना है लॉलीपॉप की शेप में। ये देखिए देखिए, इसे अच्छे से प्रेस करते हुए करिएगा ताकि जो आपकी स्टिक है वो अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए, ये हमारा लॉलीपॉप जो है ऑलमोस्ट तैयार हो गया। ये देखिए लॉलीपॉप तैयार है। ऐसे ही आप सारी लॉलीपॉप्स बना लीजिए। ये देखिए मैंने सारी लॉलीपॉप्स बना ली है। अब हम इसे हमारे कॉर्नफ्लावर और मिल्क का जो बैटर है पहले उसमें एक बार डिप करेंगे, देन इसके बाद इसे
जो हमारा कॉर्नफ्लेक्स है उसे हम अच्छे से इसके ऊपर चिपका देंगे कॉर्नफ्लेक्स को। ये देखिए, इससे आउटर लेयर जो है हमारी बहुत अच्छी क्रिस्प बनेगी और अंदर से जो है थोड़ा सा ये नरम रहेगा। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे मीडियम ऑयल में। मैंने इसमें फ्राई किया है। सारी पॉप स्टिक्स को हम जो है फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम में ही आप इसे फ्राई करिए। ये देखिए आप, ये थोड़ा सा ये देखिए ऐसा ब्राउन होते तक मैंने इसे फ्राई कर लिया है। कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें आप देख सकते हैं। तो ये जो है हमारी लॉलीपॉप तैयार हो चुकी है और खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये थोड़े से सॉस के साथ मैंने इसे सर्व किया है, तो देखते हैं कैसी लग रही है ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन दबा दीजिए। थैंक यू।